हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर में आज जो है हम एक टिपिकल सम ले रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, रेक्टिफाइड आर ढूंढना है। एन जो है 10, एक्स बार है 14, वाई बार है 20, एस एक्स 4, एस वाई 6, आर है 0.9, वन पेयर वॉज टेकन 12-16 इंस्टेड ऑफ 16-12, एक्स वाई जो है 16-12 लेना था और उसकी जगह पे 12-16 जो है ले लिया गया है। तो अभी इसके ऊपर से हमको जो है रेक्टिफाइड जो है वो आर ढूंढना है। तो इस सम को कैसे हम करेंगे, टिपिकल सम है। एक्स बार दिया गया है तो सबसे पहले एक्स बार की फॉर्मूला में से जो है हम वो सिग्मा एक्स ढूंढेंगे और रेक्टिफाइड सिग्मा एक्स बनाएंगे। तो हमको पता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका मतलब है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होगा एन इंटू एक्स बार। तो एन है कितना, 10, एक्स बार है 14, तो सिग्मा एक्स होगा 140। अभी इसमें जो रॉन्ग है वो माइनस कर देंगे, जो राइट है वो प्लस कर देंगे। वन पेयर वॉज टेकन 12-16, 12-16 ली गई थी, लेनी थी 16-12। तो ये राइट पेयर है और ये रॉन्ग पेयर है, एक्स वाई एक्स वाई। तो जो रॉन्ग एक्स है वो माइनस करेंगे, जो राइट एक्स है वो प्लस करेंगे। तो 12 जाएगा, 16 आएगा, तो ये मिलेगा 140। सुधरा हुआ सिग्मा एक्स है 144। ऐसे ही फिर आएंगे y बार, तो वो होता है सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y इज इक्वल टू होगा n इंटू y बार, दैट मीन्स सिग्मा y इज इक्वल टू 10 इंटू 20। बट इसमें जो रॉन्ग है वो माइनस करना है, जो राइट है वो प्लस करना है। तो सिग्मा वाई मिलेगा हमको रेक्टिफाइड, फिर आते हैं एस स्क्वायर एक्स, तो वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार की स्क्वायर। एस एक्स है 4, एक्स बार है 14, तो 16 प्लस 14 की स्क्वायर इधर लेके आऊंगा 196, इधर प्लस हो जाएंगे और 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वो होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 212 इंटू 10। अभी जो रॉन्ग है उसकी स्क्वायर जो है वो माइनस कर देंगे और जो राइट है उसकी स्क्वायर प्लस। 12 की स्क्वायर 144, 250, 2120 में से 2120 माइनस 144 प्लस 256, तो आया 223। ये है रेक्टिफाइड सिग्मा एक्स स्क्वायर। फिर ढूंढेंगे रेक्टिफाइड सिग्मा वाई स्क्वायर, तो एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर
वाई बार है कितना 20, 36 प्लस 400 इंटू 10 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो 436 इंटू 10 4360, ये है सिग्मा वाई स्क्वायर। इसमें अभी जो रॉन्ग है उसकी स्क्वायर माइनस कर देंगे, 4360, 16 की स्क्वायर माइनस और 12 की स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो 4360 माइनस 256 प्लस 144, ये है सिग्मा वाई स्क्वायर रेक्टिफाइड। अब भी आ जाएंगे, आर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो 0.9 है आर, यहाँ से हम ढूंढेंगे सिग्मा एक्स, एक्स बार है अपना कितना 14 और वाई बार है 20, एस एक्स है 4, एस वाई है 6। तो 0.9 इंटू 240 इसका प्रोडक्ट सामने लेके गया और इसका प्रोडक्ट जो है वो प्लस में लेके आऊँगा, 20 800। तो ये होगा सिग्मा एक्स वाई, 240 इंटू 0.9 प्लस 20 800, 3016, ये है सिग्मा एक्स वाई। अभी इसमें जो है 12 इंटू 16 का प्रोडक्ट प्लस करेंगे और 16 इंटू 12 का, 12 इंटू 16 का माइनस और 16 प्लस 12 का, 16 इंटू 12 प्लस कर देंगे। तो आंसर आएगा सेम टू सेम, कोई चेंज होगा नहीं। अभी आर की फॉर्मूला लगाएंगे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, अभी सिग्मा एक्स स्क्वायर रखेंगे 2232 माइनस 144 की स्क्वायर, फिर 10 सिग्मा वाई स्क्वायर है 4248 माइनस 196, दैट मीन सिग्मा वाई स्क्वायर उसकी, सिग्मा वाई उसकी स्क्वायर, ये हो जाएगा 30160 माइनस 144 इंटू 196, तो 28224 अंडर रूट आएंगे 22320 माइनस 144 की स्क्वायर, तो 20736। दूसरे रूट में आते हैं तो 42480 माइनस 196 की स्क्वायर, तो 38416। अभी न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1936, और डिनोमिनेटर में आते हैं तो एक रूट में बचेगा 1584 का रूट, और सेकंड रूट में बचेगा 4064 इंटू 1584 कर दें तो 1936, और रूट ऑफ इधर लिख के आते हैं 1936 एंड रूट ऑफ 64
37376, इसका रूट निकाल दो तो ये आ जाएगा 1936 डिवाइड बाय 2π37, तो R इज इक्वल टू मिलेगा 0.76। R इज इक्वल टू क्या मिला 0.76। इस तरह से यहाँ पे हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इतना लंबा रूट पता कैसे चलेगा, तो ये देख लेना है n है, x बार है, y बार है, sx है, sy है, r है, तो x बार की फॉर्मूला में से रेक्टिफाइड x सिग्मा x मिल जाएगा, y बार की फॉर्मूला में से रेक्टिफाइड सिग्मा y मिल जाएगा, फिर x के वेरियंस में से सुधरा हुआ सिग्मा x स्क्वायर मिल जाएगा, y के वेरियंस में से सुधरा हुआ y स्क्वायर मिल जाएगा, फिर r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई वाले इस फॉर्मूला में से सुधरा हुआ सिग्मा एक्स वाई मिल गया। अभी जो चीज़ें मिली उन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए ये जो फार्मूला है उससे रिलेटेड सब चीज़ें मिल गई सुधरी हुई। n तो था ही ऑलरेडी, सिग्मा एक्स वाई सुधरा हुआ निकाला, सिग्मा एक्स सुधरा हुआ निकाला, सिग्मा वाई जो है रेक्टिफाइड करके निकाला, सिग्मा एक्स स्क्वायर रेक्टिफाइड करके निकाला और सिग्मा वाई स्क्वायर भी रेक्टिफाइड करके निकाला। इस तरह से सारी जो है रेक्टिफाइड जो है चीज़ें मिल गई, वो फॉर्मूला में रख दिया तो सुधरा हुआ आर इज इक्वल टू मिल गया 0.76।